दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि अमेजोन इको डॉट जो स्पीकर है जो आरबीएल बैंक के साथ एक ऑफर मिला था उसको आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो ऑफर आई थी अमेजोन इको डॉट की स्पीकर की, ये दिवाली के समय आई थी अक्टूबर मंथ में, जिसमें बताया गया था कि आप 50,000 रुपीज तक स्पेंड करते हो तो आपको अमेजोन इको डॉट स्पीकर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये ऑफर क्या थी, इसमें जो है फोर्थ जनरेशन का इस तरह का कुछ अमेजोन इको डॉट स्पीकर था जो आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50,000 रुपीज तक की शॉपिंग करते हो सेप्टेम्बर 29 से लेकर अक्टूबर 26 तक तो आपको अमेजोन इको डॉट दिया जाएगा। ये ऑफर थी। तो ये ऑफर के हिसाब से अकॉर्डिंगली मैंने अपने क्रेडिट कार्ड था मेरे पास आरबीएल बैंक का जोमेटो एडिशनल क्रेडिट कार्ड, तो उसके थ्रू से मैंने 50,000 रुपीज स्पेंड किए और मैं इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो गया। दोस्तों आरबीएल बैंक की टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ था कि अमेजोन इको डॉट जो है आपको 31 दिसंबर 2022 तक आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको ये कोड मिल जाएगा। ये लोग एक वाउचर कोड आप जनरेट करके आपको भेजते हैं, ये वाउचर कोड उसके थ्रू से आप ये कर सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा आपको, आपको कैसे रिडीम करना है। इनकी टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ था कि अगर 60 डेज के अंदर ऑफर एक्सपायरी होने के बाद अगर आपको कोई गिफ्ट कम्युनिकेशन का मैसेज नहीं आता है तो आप इसको 90 डेज के अंदर, मतलब प्रैक्टिकली कस्टमर केयर को 30 डेज के अंदर आप इनको कार्ड एंड सर्विस rbl.com पे मैसेज कर सकते हो। आपको अगर ये रिसीव नहीं होता है तो आरबीएल बैंक को मैसेज किया कि मुझे कार्ड रिसीव नहीं हुआ 31 दिसंबर से पहले, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था कि आपको ये कार्ड जो है वो 31 दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा, आपने 50,411 रुपए अपने स्पेंड किया और आप एलिजिबल है इसके लिए। तो उनका उस समय तक तो कुछ नहीं आया था, फिर उन्होंने एक SMS किया मुझे, फिर मुझे एक SMS मिला जिसमें बताया गया था कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अमेजोन इको डॉट और ऑन यूजिंग आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड। तो ये आपकी जो प्रोमो कोड की डेट थी वो 15/1/2023 तक एक्सटेंड हो गई और इसके लिए मैं एलिजिबल हुई है उन्होंने बताया था। तो फिर आज मुझे 6 जनवरी को ये मुझे फिर मैसेज रिसीव हुआ और मेल पे रिसीव हुआ इसका प्रमो कोड। तो इसको कैसे रिडीम करना प्रोसेस बताता हूं आपको। तो गाइस मुझे आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से ये मैसेज मिला जिसमें बताया कि कांग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाइड फॉर अमेजोन इको डॉट और साथ में इन्होंने ये सारी डिटेल लिखी थी और साथ में वाउचर कोड भी इन्होंने भेज दिया वैलिड फॉर रिडेम्पशन अप टू 31/1/2023। मतलब जो वाउचर कोड आपको भेजा जाएगा उसकी वैलिडिटी 15 से 20 दिन की रहेगी 31 जनवरी 2023 तक। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप इस कोड को रिडीम कर लेना। ये कोड है आपको आपके स्पैम मेल में भी आ सकता है या बाय SMS भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देना। मुझे रिसीव हो गया ये वाउचर कोड जो मिला हुआ है, इसको रिडीम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है, आपको इस तरह का मेल मिला होगा, इसके नीचे आपको दिया हुआ लिंक भी दिया हुआ जहां पे क्लिक हियर विजिट प्रोजेक्ट पेज, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं आपको दिखाता हूं अमेजोन के अंदर जाने के बाद आपको कौन सा आपको अलेक्सा का फोर्थ जनरेशन का आपको इको डॉट सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। तो इसमें एक बात आपको जरूर याद रखनी है, जो अभी जो सब लोग गलती कर रहे हैं और आपका कोड आप वेरीफाइड अनवेरीफाइड भी दिखा रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग गलत सेलर चूज कर रहे हैं। इसमें आपको सेलर जो है वो आपको देख लेना है, क्लाउडटेल का आपको सेलर चूज करना है। तो मैं एक बार देख लेता हूं मेरा क्लाउडटेल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेलर है इसको अमेजोन इको डॉट को इस अमेजोन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, तो क्लाउडटेल के जो प्लेटफॉर्म है उसको सेलर को सेलेक्ट करना है, उसी पे ये कोड लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा आपको। तो गाइस जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिख जाएगा कि सेलर कौन सा, जैसे इसमें सेलर आपको दिखा रहा है सोल्ड बाय क्लाउड कनेक्ट SLP, तो ये आपको सेलेक्ट करना है, ये याद रखना है। तो इसको वापस आपको कार्ट में ऐड करना है, एड टू कार्ट, तो ये मैंने कार्ट पे ऐड कर लिया है। लोग सबसे बड़ा गलती यही कर रहे हैं कि इसमें जो है सेलर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे सही और वो दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं सर्च मार के, तो उससे क्या है आपका जो कोड है वो अनवेरीफाइड दिखा देता है, वो लिखा हुआ जाता है कि आपको वेरीफाइड नहीं है कोड। तो इसमें आप प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर देना और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको इसमें कई सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाएंगे जैसे अमेजोन पे, लेटर अमेजोन पे, UPI, कोई भी कार्ड आप दे सकते हैं वो कार्ड भी दिखाया होगा। इसमें आपको सबसे नीचे आपको दिखाएगा एड ए गिफ्ट कार्ड ऑन प्रमो कोड, तो इसमें आपको एड ए गिफ्ट कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखो एंटर ए कोड का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करने के साथ इसमें आपको कोड डालना है। तो अभी हम तो यहाँ पे कोड आपको आया था ये वाउचर कोड, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और अब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तभी आपको एप्लीकेबल दिखाएगा, अगर आप दूसरे सेलर से करेंगे तो आपको एप्लीकेबल नहीं दिखाएगा। तो एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका अभी कूपन कोड लग चुका है ऊपर। इस पे कूपन कोड एंटर करने के बाद आपको अपना कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन चूज कर लेना है, तो मैं अपना आरबीएल कार्ड ही चूज कर लेता हूँ और फिर आगे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखो इस तरह का ऑप्शन आएगा, ऑर्डर नाउ पे ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आइटम अमाउंट लिखा हुआ है, डिलीवरी चार्ज लिखा है 40 रुपीज और टोटल अमाउंट लिखा है 4539 और प्रमोशन अप्लाई कितना होगा 4539। आपको 0 रुपीज पेमेंट करना अपने कार्ड से या कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, चूंकि मैंने कार्ड एंटर किया था इसको प्लेस और ऑर्डर नाउ पे अब हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपको 0 अमाउंट पे आ गया। आप लोग गलती करेंगे इसमें सेलर सेलेक्ट नहीं सही नहीं कर पाए उस वजह से गलती होती है, तो प्लेस और ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देंगे, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। ये इसके जो चार्जेज है 0 रुपीज लगा, कोई भी चार्जेज नहीं लगा। तो दोस्तों इस तरह से हम ऑर्डर नाउ पे आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए मेरे जो अमाउंट लगा है 4499 में ये 0 अमाउंट लगा है, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगा, तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप ऑर्डर करें तो इसमें जरूर सेलर क्लाउड टेल करें, आप अगर दूसरा सेलर सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, आप कंफ्यूज होंगे। ऐसा मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मैंने देखा कि बहुत सारे कस्टमर ने रिव्यू दिया हुआ था कि उनके कोड एप्लीकेबल नहीं हो रहे, कोड काम नहीं कर रहे। तो इस कोड को इस तरह से काम में लेना है कि आपको सेलर हमेशा अमेजोन इको डॉट फोर्थ जनरेशन के लिए क्लाउड टेल का सेलेक्ट करना है, बस उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है और जो पेमेंट ऑप्शन चूज करो
करोगे, इसमें जीरो के साथ आपको दूसरा पेमेंट ऑप्शन भी चूज कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी, आपको लगता है कि वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए थोड़ी दे पाया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह के वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वैल्यूबल हम इन्फॉर्मेशन दे सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।